नमस्ते, हेलो। इस वीडियो में हम विंडोज 10 में टाइम से संबंधित चीजें सीखेंगे। अलार्म कैसे लगाते हैं, उसे कैसे हटाते हैं, टाइमर क्या है और इसे कैसे यूज करते हैं, और अंत में स्टॉपवॉच क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करें। मेरा नाम एकता है। सबसे पहले सीख लेते हैं कि विंडोज 10 में अपने पीसी से अलार्म कैसे लगाते हैं। चलिए एक नया अलार्म लगाना सीख लेते हैं। ये है मेरा डेस्कटॉप। यहाँ पर नीचे ये सर्च का आइकन है, इधर क्लिक करिए और यहाँ पर टाइप कर लीजिए अलार्म। और यहाँ पर ऊपर ध्यान देंगे तो अलार्म्स एंड क्लॉक की ऐप आपको दिख रही है। आप इस पर क्लिक करके इसे खोल सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह की एक स्क्रीन खुल जाएगी। जब आप पहली बार यहाँ पर आकर अलार्म लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको इस तरह से बाय डिफॉल्ट एक 7 बजे सुबह का अलार्म यहाँ पर दिखेगा जो ऑफ होगा। चलिए अब हम नया अलार्म लगा लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये देखिए, ये एक नई स्क्रीन से खुल गई। यहाँ पर आप अपने अलार्म को एडिट कर सकते हैं। पहले अपने अलार्म का एक नाम दे देते हैं। फिलहाल यहाँ पर लिखा है गुड मॉर्निंग, मैं इसे रहने देने वाली हूँ। उसके बाद है टाइम। आप यहाँ पर समय चुन सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने बजे का अलार्म लगाना है। 7 बजे तो थोड़ा लेट हो गया, मैं यहाँ पर 6 बजे का अलार्म लगा देती हूँ। और यहाँ पर ये टिक के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। अब ये 6 बजे का अलार्म यहाँ पर सेट हो गया। फिर है रिपीट्स। आप चाहें तो आप इस अलार्म को रोज रिपीट कर सकते हैं या अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि ये कब दोबारा बजे। यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू है। फिलहाल यहाँ पर वीक डेज सिलेक्टेड है। हम इस पर क्लिक करते हैं और ये देखिए, आप चुन सकते हैं कि किस दिन को ये अलार्म 6 बजे बजे। यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे पहले से सिलेक्टेड हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर अलग अलग दिन के अलग अलग टाइम भी लगा सकते हैं। मैं जो है 6 बजे का अलार्म वीकेंड के लिए रखने वाली हूँ, तो सैटरडे और संडे को मुझे 6 बजे सुबह उठना है। और ऊपर ध्यान देंगे तो वो बोल रहा है नोटिफिकेशंस विल ओनली शो इफ द पीसी इज अवेक। अब ये बात ध्यान रखने वाली है, अगर आपका पीसी ऑफ होगा तो जाहिर सी बात है कि नोटिफिकेशन और अलार्म आपके पीसी पर नहीं बजेंगे। इसलिए आपका पीसी ऑन रहना चाहिए, ना स्लीप मोड में ना हाइबरनेशन मोड में होना चाहिए। अगर वो ऑफ होगा स्लीप मोड में या हाइबरनेशन में होगा तो ये नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। फिर आए स्नूज टाइम। यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी देर तक ये स्नूज रहना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 20 वगैरह वगैरह। हम यहाँ पर 5 मिनट्स का स्नूज टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब जब आप इसे स्नूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप 5 मिनट के बाद दोबारा से बजेगा आपको रिमाइंडर देने के लिए। बस हो गया अलार्म सेट। अब यहाँ पर नीचे एक सेव का आइकन है, यहाँ पर क्लिक करना मत भूलिए। चलिए हम जो है यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर एक साउंड की ऑप्शन भी है। यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा साउंड या कौन सी रिंगटोन बजानी है। हम इधर क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपके खुद के कंप्यूटर में बहुत सारी अलग अलग साउंड्स होंगे, आप उनमें से कोई भी चूज कर लीजिए। मैं फिलहाल चाइम्स ही रहने देने वाली हूँ। और अब सेव के बटन पर क्लिक किया और ये वाला अलार्म जो है वीकेंड्स में यानी कि सैटरडे संडे को सुबह 6 बजे के लिए सेट हो गया। यहाँ पर ये अलार्म ऑन है और यहाँ पर आपको ये ग्रीन दिख रहा है। अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो आप बस इधर क्लिक कर दीजिए और ये अलार्म जो है ऑफ हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कुछ ही सेकंड्स में आप अलार्म लगा सकते हैं। अब आते हैं टाइमर पर। टाइमर क्या है? देखिए, मान लीजिए कि आपका कोई टेस्ट है, कोई परीक्षा, तो आप अपने कंप्यूटर में टाइमर सेट कर सकते हैं और उस टाइम के बाद अलार्म बजेगा। हो सकता है कि आप कुछ देर पढ़ाई या काम करना चाहते हैं तो ये टाइमर का काउंटडाउन बहुत ही काम की चीज़ है। चलिए एक टाइमर को सेट करना सीख लेते हैं।
तरीका वही है, नीचे से आप अलार्म्स की ऐप खोल सकते हैं, ये पहले से खुली हुई है। यहाँ पर ऊपर आप ध्यान देंगे तो ये है टाइमर, टाइमर पर हम क्लिक कर देते हैं। और अब देखिए बाय डिफॉल्ट अपने आप से एक घंटे का टाइमर यहाँ पर सेट है। आप चाहें तो आप यहाँ पर इधर प्ले के बटन पर क्लिक करके और ये उल्टी गिनती या काउंटडाउन शुरू कर सकते हैं। अब ये टाइमर एक घंटे के लिए चल जाएगा और इसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि आपका एक घंटा ख़त्म हो गया है। अगर आप चाहें तो आप इसे पॉज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये नीचे है न्यू, न्यू पर क्लिक किया। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्जी का एक नया टाइमर सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि टेस्ट। अगर आप कोई प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं, जैसे कि कोई आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है और आप अपने कंप्यूटर में टाइमर लगाते हैं, तो आपको घड़ी की ज़रूरत नहीं, आपको मोबाइल फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं, आप उसे अपने पीसी पर लगा सकते हैं। तो ये हमने नाम दे दिया टाइमर का। अब हम ड्यूरेशन सेटअप कर देते हैं। हम यहाँ पर 3 घंटे का टाइमर सेटअप कर देते हैं और ये मैं टिक पर क्लिक कर देती हूँ। अब ये 3 घंटे का टाइमर यहाँ पर सेटअप हो गया और ये जो है हम सेव कर देते हैं। तो ये एक नया टाइमर यहाँ पर आ गया। आप चाहें तो आप इसे क्लिक करके और इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको हर बार नया टाइमर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, आपके कंप्यूटर में अलग अलग टाइमर यहाँ पर आ जाएंगे। सपोजिंग आप कुछ और कर रहे हैं, जैसे कि आप ब्रेक ले रहे हैं आधे घंटे का, तो भी आप लंच ब्रेक के लिए या कोई सोशल मीडिया ब्रेक के लिए आप आधा घंटा यहाँ पर टाइमर लगा दीजिए और जैसे ही आधा घंटा ख़त्म होगा वो आपको अलार्म या नोटिफिकेशन द्वारा बता देगा कि अब आपका टाइम ख़त्म हो गया है। आप चाहें तो आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आइकन है, ये टू हेडेड एरो है, दोनों तरफ एरो है। आप इधर क्लिक करते हैं तो ये टाइमर इस तरह से बड़ा हो जाता है और आप इसे यहाँ पर क्लिक करके और शुरू कर सकते हैं। कुछ ही सेकंड्स में आप अपना मनपसंद टाइमर या अपनी मर्जी के ड्यूरेशन का टाइमर अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं। चलिए इसे मैं पॉज कर देती हूँ। तो फिर स्टॉपवॉच क्या है? देखिए स्टॉपवॉच अक्सर किसी चीज़ को टाइम करने के काम आती है। आपने कितनी देर में कुछ ख़त्म किया उसको आप अपने कंप्यूटर पर स्टॉपवॉच लगाकर टाइम कर सकते हैं। चलिए एक स्टॉपवॉच को लगाना सीख लेते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके दोबारा से अलार्म्स एंड क्लॉक्स को खोल सकते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर है ऊपर स्टॉपवॉच का आइकन, हम इधर क्लिक कर लेते हैं और ये स्टॉपवॉच खुल गई। ये मैंने पहले से कभी तो स्टॉपवॉच खोली होगी, इस वजह से ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको ये इस प्रकार से दिखेगा, जहाँ पर आपके स्टॉपवॉच का टाइम 000 होगा। अब हम यहाँ पर इसे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका कुछ गाना है या ऐसी कोई गेम है, कोई चीज़ है जो कि टाइम डिपेंडेंट है, जो कि आप फटाफट ख़त्म करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कुकिंग कर रहे हों, कोई चीज़ को किसी टाइम के लिए आप रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर उसे टाइम कर सकते हैं। आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कोई कार्य या कोई काम ख़त्म करने में कितना समय जाता है। तो ये जो टाइमर है ये चलते रहेगा और जैसे ही आपका काम ख़त्म हो आप ये पॉज के बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपको कोई चीज़ ख़त्म करने में कितना टाइम लगा। आप चाहें तो आप इसे रिफ़्रेश कर सकते हैं और रीस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया ये दोबारा से 000 पर सेटअप हो गया। अब नीचे ध्यान देते हैं, यहाँ पर क्लिक किया। आप चाहें तो आप इसे स्टार्ट मेन्यू पर भी पिन कर सकते हैं, जो कि आपके स्टार्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। और एक बात, आप यहाँ पर क्लिक करके इसे एक्सपैंड कर सकते हैं और ये जो स्टॉपवॉच है ये बड़ा हो जाएगा और इस तरह से आपके स्क्रीन पर एक्सपैंडेड आएगा। तो बहुत ही आसान है और आप कुछ ही सेकंड्स में अपने पीसी पर विंडोज 10 में अलार्म, टाइमर या स्टॉपवॉच इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्या कैसे पर विंडोज 10 के कई वीडियोस हैं। अगर आप कंप्यूटर से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्क्रीन पर क्लिक करके, और अगर मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके इन्हें एक साथ देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशंस पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।